एलिट आईएएस एकेडमी रांची झारखंड, आगामी 11 जेपीएससी की होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जेपीएससी प्लीम्स के सिलेबस देखेंगे तो लोक प्रशासन से कुल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, लेकिन आज की क्लास प्लीम्स के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी हर पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट की तैयारी ऑब्जेक्टिव टाइप के बेस पर करते हैं तो उससे हमारी तैयारी केवल ना प्लीम्स की होती है बल्कि मेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट का भी हो जाता है, क्योंकि मेंस में इंडियन पॉलिटी सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस एक साथ है। इंडियन पॉलिटी 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन और सुशासन, इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं, दोनों है। और इससे दोनों से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेंस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वह है लोक प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। ये एक ऐसा टॉपिक है या लेसन है जहां से आप पिछले 6th to 10th जेपीएससी प्लीम्स का क्वेश्चन उठाएंगे तो अधिकांश क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं, लोक प्रशासन के विकास से। लोक प्रशासन के विकास की अवधारणा कंसेप्ट से जुड़े डिस्कशन आज की मुख्य विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आज केवल हम लोग टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन बात करेंगे, क्योंकि जब इस टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसे हम लोग कई चरणों में बांटते हैं। जैसे कि प्रथम चरण है आपका 1887 to 1926, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ है, वर्तमान तक। लेकिन आज हम लोग विभिन्न चरणों की व्याख्या करने के बजाय उन चरणों से जुड़े जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या कंसेप्ट है जो जेपीएससी प्लीम्स में या मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें एक बात ये डिस्कशन हम लोग को करना है यहाँ पे, पहली बात कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो लोक प्रशासन के विकास के चरण से पहले के हैं। इसको दो भाग में बांट सकते हैं हम जनरली। एक है कि लोक प्रशासन के विकास के चरण से पूर्व, और एक है लोक प्रशासन के विकास
का चरण से, ये दो टाइप के हैं। तो इससे मुख्य रूप से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 18वीं सदी 18th सेंचुरी के अंत में अमेरिका से प्रकाशित एक पत्रिका थी जिसका नाम था फेडरलिस्ट। नाम क्या था? फेडरलिस्ट। इस पत्रिका में हैमिल्टन का एक लेख छपा था, आर्टिकल बोलते हैं ना, हैमिल्टन का एक लेख छपा था, और इसी फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में हैमिल्टन का जो आर्टिकल पब्लिश हुई थी या हुआ था, उसमें पहली बार लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो लोक प्रशासन के व्यवस्थित विकास के चरण से पहले ये पहली घटना थी, यानी कि उड्रो विल्सन का जो आर्टिकल आया 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले ही हैमिल्टन का एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका था फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में, जो अमेरिका से प्रकाशित होती थी, और उसमें पहली बार हैमिल्टन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया। ये पहली घटना थी। एक दूसरी घटना थी 1813 की, एक फ्रेंच विद्वान का नाम आता है, इसका नाम है चार्ल्स जीन बोनिन। बोनिन, इनकी एक किताब पब्लिश हुई थी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने लोक प्रशासन पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो कहने का अभिप्राय असेंस यह है कि उड्रो विल्सन द्वारा लोक प्रशासन और राजनीति के द्विभाजन, डिक्टोनॉमी से पहले लोक प्रशासन से जुड़े ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पहलू थे जो पहले घट चुके थे। अब हम लोग देखना है कि लोक प्रशासन का जो व्यवस्थित विकास का विभिन्न चरण है, तो उस चरणों के आधार पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम पहला चरण की बात करें, पहला चरण जो 1887 टू 1926 के बीच आता है, लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण 1887 से 1926 के बीच माना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या है, पहला है 1887 में उड्रो विल्सन का लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिश हुआ, और इसी में विल्सन ने क्या किया कि राजनीति प्रशासन द्विभाजन प्रेजेंट किया, यानी कि प्रस्तुत किया। उड्रो विल्सन के इसी लेख से लोक प्रशासन का उदय या जन्म माना जाता है। यहां पर दो चीजें देखिए, मैंने इससे पहले बताया कि लोक प्रशासन शब्द का पहला प्रयोग हैमिल्टन ने किया, लेकिन लोक प्रशासन का जनक, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सन को माना जाता है, क्योंकि उड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन में ही पहली बार राजनीति प्रशासन द्विभाजन यानी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोनॉमी का विचार आया। इसका अर्थ था कि राजनीति से प्रशासन का अलगाव। वुड्रो विल्सन ने अपने इस आर्टिकल में दो बातें दुनिया के सामने रखी, एक कि राजनीति प्रशासन से अलग है क्योंकि राजनीति का मुख्य उद्देश्य नीतियों का क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है। राजनीति के काम नीतियों का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज है, और नीतियों को लागू करने का काम प्रशासन का है। इसी को बोलते हैं राजनीति प्रशासन द्विभाजन। तो पहली बार राजनीति से प्रशासन को अलग करने का काम वुड्रो विल्सन ने किया। यही कारण था कि ड्वाइट वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा है। किसने कहा है? ड्वाइट वाल्डो ने। क्यों कहा है? क्योंकि पहली बार वुड्रो विल्सन ने अपने इस लेख के आधार पर राजनीति को प्रशासन से अलग करने का काम किया। वुड्रो विल्सन ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण जितना कठिन कार्य है उससे ज्यादा कठिन कार्य उस संविधान के अनुकूल शासन का संचालन करना है। तो यहीं से लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण शुरू होता है और इसी चरण से लोक प्रशासन का उदय होता है। इसलिए लोक प्रशासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जोड़ा जाता है और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इसी चरण की और कई घटनाएं थी, जैसे कि एक घटना थी 1900, इसमें फ्रैंकलिन गुडनाउ की एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में फ्रैंकलिन गुडनाउ ने वुड्रो विल्सन का समर्थन किया और फ्रैंकलिन गुडनाउ ने कहा कि राज्य की इच्छा को राजनीति या पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करती है जबकि उस इच्छा को लागू करने वाली मशीनरी प्रशासन है। इसके बाद इस चरण की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी, वह थी एलडी वाइट की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन, जो लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि इसी चरण की एक घटना मैंने अभी जिक्र किया एलडी वाइट की रचना एन इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये किताब आई 1926 में। ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी। इस पुस्तक में वुड्रो विल्सन, फ्रैंकलिन गुडनाउ के समान एलडी वाइट ने भी राजनीति और प्रशासन के अलगाव को स्वीकार किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि व्यापक स्तर पर
निर्धारित उद्देश्यों अथवा नीतियों को लागू करना ही प्रशासन है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं थी लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण की, और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाते रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासतौर से जेपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि एज ए कंक्लूजन निष्कर्ष के तौर पर कि लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण के नतीजे क्या निकले ना, निष्कर्ष क्या निकला फर्स्ट स्टेज का, तो दो निष्कर्ष इसका है। पहला है कि राजनीति और लोक प्रशासन का अलगाव हुआ पहली बार यहां पे फर्स्ट स्टेज में, और दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई। ये दोनों घटनाएं थी फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसे मैंने बताया एलडी वाइट की इस किताब के बारे में। अब शुरू होता है लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है या किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आते हैं सेकेंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण, जिसको हम लोग 1927 से 1937 के बीच रखते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी संभावना यह बनती है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस लोक प्रशासन के विकास के इस स्टेज में, यानी कि दूसरे स्टेज में क्या है, इसे हम कहते हैं सिद्धांतों का स्वर्णकाल, क्लासिकल एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इसको कहते हैं। इसे कहते हैं ना कि लोक प्रशासन के विकास का पहले चरण को क्या बोलते हैं, राजनीति प्रशासन अलगाव। तो दूसरे स्टेज को क्या कहते हैं, ये प्रशासनिक सिद्धांतों का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है सेकंड फेज, दूसरा चरण। अब क्या है दूसरी बात कि इसमें लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। इस चरण की एक और विशेषता थी कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर देते हुए लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में मानने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, टेंडेंसी देखने को मिलती है। अब इस चरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, दो तो विशेषता हो गई। तो इसमें पहली जो इंपॉर्टेंट घटना घटी वह थी डब्ल्यू एफ बिलोबी की किताब एक पब्लिश हुई, इसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927। किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर इस किताब में बिलोबी ने जोर दिया। इसके बाद दूसरी क्या घटना घटी कि इसी चरण में 1937 में लूथर गुलिक एवं
एल उर्विक की एक रचना पब्लिश हुई, इसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी पुस्तक में पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा भी प्रकाशित हुई इसी किताब में। किस किताब में? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, जो 1937 में संपादित की गई लूथर गुलिक और एल उर्विक द्वारा, जो फ्रांसीसी औद्योगिक प्रबंधन के अग्रणी वैज्ञानिक हेनरी फियोल के ये दोनों अनुयायी थे, लूथर गुलिक और एल उर्विक। और इसी पोस्टकॉर्ब को लोक प्रशासन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया। इस पोस्टकॉर्ब से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो हम लोग एक छोटा सा डिस्कस पोस्टकॉर्ब पर भी कर लेंगे, POSDCORB, ये पोस्टकॉर्ब। पोस्टकॉर्ब क्या है? पोस्टकॉर्ब से एक क्वेश्चन आता है कि पोस्टकॉर्ब की अवधारणा किस पुस्तक में आई या पब्लिश हुई, तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लेखक लूथर गुलिक और एल उर्विक थे, और ये किताब पब्लिश हुई 1937 में। ये पोस्टकॉर्ब की अवधारणा जो है, इसमें पी है प्लानिंग, यानी कि योजना, इसके बाद ओ है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, और इसके बाद एस है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी गण। उसके बाद डी है डायरेक्टिंग निर्देशन। उसके बाद है आपका सी ओ यानी कि को ऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय या तालमेल, और आर है रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन, और लास्ट बी है बजटिंग यानी कि फिनेंस या वित्त। अब किसी भी संगठन के लिए पोस्टकॉर्ब के ये सारे लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं। इसे मान लिया जाए कि किसी एक विभाग को ले लीजिए, मान लीजिए कि ये शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग अस्तित्व में कब आता है? जब उसके लिए एक योजना रूपरेखा तैयार की जाती है, जब उसको एक धरातल रूप दिया जाता है, तो वो बन जाता है संगठन, और संगठन को जैविक रूप प्रदान करने के लिए, ऑर्गेनिक फॉर्म में लाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद उन्हें काम करने के लिए निर्देशन दिया जाता है कि उनको क्या करना है, और जब संगठन में काम करना शुरू हो जाता है तो कर्मचारियों और अधिकारियों के काम के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होता है, ठीक है, जिसके लिए समन्वय या कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है, और संगठन के कार्यों की उपलब्धियों पर रिपोर्ट होते रहना चाहिए, जिससे कि संगठन की गतिशीलता बनी रहे, उसके लिए प्रतिवेदन रिपोर्ट जरूरी है। और कोई भी संगठन वित्त के बिना तो चल ही नहीं सकता, फिनेंस के बिना। ये सभी लेटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी में, खास तौर से आप देखेंगे सी ओ से, आर से, बी से, ठीक है, और ओ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्टकॉर्ब में दिए गए सी ओ का
निम्न में क्या अभिप्राय है, तो आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग ना, कोऑपरेशन नहीं हो जाएगा, कोऑपरेशन करने से हम गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकेंड फेज, लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण, जिसकी इंपॉर्टेंट विशेषताओं पर हम लोगों ने अभी चर्चा की है। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरी विशेषता क्या है, या तीसरा स्टेज क्या है, और लोक प्रशासन के विकास के तीसरे चरण के अंतर्गत कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, या उस चरण की कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी या संभावनाएं दिखती हैं। हम लोग आते हैं लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण, लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण जो 1938 टू 1947 के बीच है। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का एनालिसिस हम लोग उस तरफ कर लेंगे। इसमें पहली घटना क्या घटती है, पहली घटना घटती है कि 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की एक की पुस्तक पब्लिश होती है, जिसका नाम है द फंक्शंस ऑफ एक्सक्यूटिव। इस पुस्तक में चेस्टर बर्नार्ड ने किसी भी तरह के प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया। यानी कि इस चरण की विशेषता देखा जाए तो क्या है कि ये इस चरण में प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई, ये एक बड़ी विशेषता थी। दूसरी घटना क्या घटी इस चरण की, इसी चरण में 1946 में हर्बर्ट साइमन का एक लेख छपा, इसका नाम था द प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में साइमन ने प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचना की और उन्हें कहावतों या किंवदंतियों की संज्ञा दी, और ये जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें या किंवदंतियों की संज्ञा किसने दी थी, हर्बर्ट साइमन ने दी थी और अपनी इस पुस्तक में दी थी जो 1946 में पब्लिश हुआ था। तीसरी इंपॉर्टेंट घटना क्या घटी इस चरण की, वो थी 1947 में इसी हर्बर्ट साइमन की एक विख्यात पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और इस पुस्तक में हर्बर्ट साइमन ने यह दिखाने का प्रयास किया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, और लोक प्रशासन में हृदय के काम करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो लोक प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया की उपयोगिता को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पहले हर्बर्ट साइमन ने साबित करने का प्रयास किया। हर्बर्ट साइमन का इतना महत्वपूर्ण योगदान था निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत में कि 1979 में इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। इसी तरह आगामी 11th जेपीएससी की प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के तौर पर,
ठीक है। अगली क्लास में हम लोग लोक प्रशासन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों और पूछे गए प्रश्नों पर एक बार फिर एनालिसिस करने के लिए आएंगे। थैंक यू।